अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तमाम कोशिशों के बावजूद अवाम रुकने का नाम नहीं ले रही है। इमरान खान साहब से मोहब्बत, पीटीआई से मोहब्बत इनकी रगों में बसती है। पहले झंडा मुहिम चलाई गई, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडों के रंग के गुब्बारे अवाम में उड़ाए जा रहे हैं। और इस मुहिम को रोकने के लिए पंजाब पुलिस की एक ऑडियो कॉल लीक हुई है, जिसमें इन गुब्बारों के फरोख्त और झंडों के फरोख्त पर पाबंदी लगाने का हुक्म दिया जा रहा है पुलिस को। पहले आपको ये ऑडियो कॉल सुनाते हैं, फिर उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तमाम स्टाफ थाना, एयरपोर्ट, ये चौकियात, चौकी गुलजारे कायद और चौकी गुलरेज, ये पुलिस नोट कर लें, ये गुब्बारे और ये फ्लैग जो मैंने आपको ये सेंड किया है, ये ना बिकना चाहिए, ना तकसीम होना चाहिए और ना ये छोड़े जाने चाहिए। इस पे अभी से इंसदाद के लिए कार्रवाई शुरू कर दें प्लीज। ऑडियो कॉल आपने सुन ली। पहले इमरान खान साहब से डरते थे, उनके जलसों से खौफ था, उनके मुहिम चलाने से खौफ था। अब जबकि खान साहब जेल में हैं तो उनके झंडों से खौफ है। और यहाँ तक कि जो लोग हवा में गुब्बारे उड़ा रहे हैं उनको हुक्म दिया जा रहा है पुलिस को कि आप ये गुब्बारे हवा में उड़ने नहीं चाहिए, ये झंडे फरोख्त नहीं होने चाहिए। बज़ाहिर जमहूरियत के दावेदार चैम्पियन बनते हैं, मगर खौफ का ये आलम है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे लहराना, उनको सपोर्ट करना एक जुर्म बन चुका है। मगर हम इसको शेयर करेंगे और दुनिया को बताएंगे कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गैर एलानिया पाबंदी लग चुकी है, क्योंकि ऑफिशियली ये लोग ऐलान नहीं कर सकते हैं। ये कॉल एक सबूत है कि यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर गैर एलानिया पाबंदी लग चुकी है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है कि आपने तहरीक इंसाफ को सपोर्ट किया तो जेल आपका ठिकाना है। आप इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें।